गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ सुनील प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आपका चैप्टर वाइज मंथली शैक्षिक पंचांग जारी किया गया है। इसी के आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है। ये आप मान लीजिए कि ये आपका एक टाइम टेबल है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वैसे ही यह आपका अपना घर में तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का ये टाइम टेबल है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अप्रैल मंथ से आपका सीजन या सत्र स्टार्ट होता है, तो यह 2020-21 के लिए है। तो आप ध्यान दीजिए, जो चैप्टर वन है इसमें आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसी तरह से चैप्टर एट है तो इसमें मोशन, ये दो चैप्टर आपको अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर लेने चाहिए। जैसे ही मई मंथ स्टार्ट होता है तो चैप्टर फाइव में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसके साथ मंथली टेस्ट एंड प्रोजेक्ट का आयोजन भी किया जाएगा और फिर समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जून मंथ आपका समर वैकेशन में निकल जाएगा। तो बच्चों, जिनका कोर्स ना कंप्लीट रहे वो अपना इस समर वैकेशन में पूरा पूरा लाभ लें, कंप्लीट करें, जिससे जुलाई से वो उनका कोई भी कार्य पीछे ना रहे। इसी तरह से आप जुलाई में आप देखें तो चैप्टर टू में आप देख सकते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इस तरह से चैप्टर सिक्स की बात किया जाए तो चैप्टर सिक्स में टिशू है। चैप्टर नाइन में अगर देखा जाए तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपके चैप्टर्स हैं जो कि जुलाई मंथ में कंप्लीट कर लिए जाएंगे और आपको मासिक टेस्ट के लिए रेडी हो जाना है। अगस्त मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो अगस्त मंथ में आप चैप्टर सेवन में आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर टेन में अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन एंड चैप्टर थ्री आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और तो यहाँ पे आप चैप्टर टेन जो आपका दिया गया है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, ये अगस्त मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। सितंबर मंथ में केवल आपका चैप्टर थ्री पढ़ाया जाएगा जिसमें कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाना है अब तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है। अक्टूबर मंथ में आपका चैप्टर इलेवेंथ में वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर थर्टीन में वाई डू वी फॉल इल एंड, तो ये आपके अक्टूबर मंथ में कंप्लीट हो जाने चाहिए। नवंबर मंथ में आपका चैप्टर फोर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, चैप्टर फोर्टीन नेचुरल रिसोर्सेस, ये नवंबर में आपका ये दो चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। दिसंबर में चैप्टर 12 साउंड, चैप्टर 15 में इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो इस तरह से आपका ये दिसंबर का मंथ भी मासिक परीक्षा होगी और इसके अतिरिक्त छात्रों की तैयारी की भी समीक्षा की जाएगी। जनवरी में बच्चे अपना जितना जो कुछ भी पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन करें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हो तो टीचर से अपना उपचारात्मक शिक्षण भी प्राप्त करें। फरवरी में एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और आपका होम एग्ज़ाम या वार्षिक परीक्षा का आयोजन करके मूल्यांकन एवं परीक्षा फल तैयार करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको निर्धारित समय में ही आपको ये सारे कार्य कर लेने चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू आर।